यहाँ माँ नर्मदा का सबसे प्रमुख गौमुख घाट है। देखिए यहाँ कितनी तेजी से पूरे 24 घंटे सीवरेज का काला गंदा पानी नर्मदा में मिलता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सामने जहाँ लोग नहाते हैं वहाँ पर नर्मदा नदी का बहता पानी है ही नहीं, वहाँ सिर्फ नालों का इकट्ठा यानी थमा हुआ पानी है। यही पानी चारों तरफ की सीवरेज लाइन से बहकर नदी में आकर मिलता है। सरकार ने एक तरफ बांध बनाकर नदी का पानी रोक दिया और दूसरी तरफ पर्यटन स्थल बनाने के लिए नदी को रोक कर सुखा दिया। अब दोनों तरफ से नदी रुकी हुई है, बीच में नालों का पानी आ रहा है जिसमें भक्त मस्त होकर नहा रहे हैं। यह दृश्य देखकर सामने बैठे भोलेनाथ और सरकार में बैठे भोले भाले नेताओं का भी इन दिनों खूब मनोरंजन हो रहा है।